रियलिस्टिक थंडर इफेक्ट वो भी आपकी किसी भी वीडियो में आप डाल सकते हो, बट उसमें क्या करना है आप सभी को थोड़ा सा जो है स्काई जो है दिखना चाहिए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा उसमें जो है स्काई वगैरह दिख रहा था, तो इसलिए वो इजिली जो है मतलब मैं उसमें जो है इफेक्ट डाल पाया। ठीक है, तो आपकी भी कोई भी वीडियो ऐसी शूट होनी चाहिए जिससे कि गाइस वहाँ पे स्काई वगैरह अच्छे से दिख रहा हो, तो इससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा वो इफेक्ट डालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना एंड सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा इसी में, तो आपको कैसे ऐड करना है ये थंडर इफेक्ट, तो आपको सब कुछ आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा मैं इसमें। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इसमें जो कलर ग्रेडिंग वाला जो पार्ट है वो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर भी जो नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा तो आप लोग मेरे को इसके बारे में बता देना अगर आपको चाहिए होगी तो। बाकी थंडर इफेक्ट कैसे डालना है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो वॉच करना, और अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले गए आज के इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो आप सभी को अपना जो मतलब VN एप्लीकेशन में भी अभी एडिटिंग कर सकते हो, तो मैं इसको काइनमास्टर में कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास काइनमास्टर है तो आप उसको भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे पहले अपनी वीडियो को इंपोर्ट करना है, एंड जैसे कि गाइस आपको मैंने बोला था कि कलर ग्रेडिंग जो है मैंने पहले से ही कर रखी है, अगर आपको ये भी करना है तो गाइस अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आप सभी को क्या करना है, पहले तो इसकी जो लेंथ है आपको बढ़ा लेनी है। ठीक है, मतलब जैसे भी मतलब कि जूम करके, फिर उसके बाद आपको लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद आपको वीडियो मीडिया के ऊपर जाना है, एंड वहाँ से जो है ये इफेक्ट वाला जो वीडियो है, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो आपको इसको पहले देखना कि यार जो इफेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले आपको जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको ट्रिम कर देना है, देन इसको आपको आगे की तरफ ले जाना है। ठीक है, ड्रैग करके, एंड उसके बाद गाइस देखिए आपको जैसे कि गाइस देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको ऐड करोगे तो आपको जो इसका पहले साइज़ देख लेना है कि आपको कहाँ तक ये जो है ये थंडर इफेक्ट जो है कहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि गाइस यहाँ पे जो है आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है। ठीक है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन मिल जाएगा ताकि जो ब्लैक ब्लैक गैप करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर कर देना है, एंड अगर आप इसको स्मूथ करना चाहते हो तो गाइस आप इसकी जो ओपेसिटी है इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आप इसको रख लूँगा 80 के आसपास। ठीक है, तो आपको इतना रख लेना है, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको जो है इतना रखेंगे, एंड उसके बाद जो हम इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि जो है पूरा एंड तक आए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो अभी ये गाइस थोड़ा सा ना बाहर की तरफ भी आ गया है। ठीक है, तो इसको हमें अंदर की तरफ रखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा जो है जूम करके इसको छोटा कर लेंगे यहाँ तक इतना परफेक्ट है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को भी इतना ही रखना है, एंड उसके बाद अगर आप सभी के मतलब कि यहाँ पे जो है अभी मतलब पूरा रियलिस्टिक वाला इफेक्ट नहीं आया, मतलब फील नहीं आ रहा कि रियलिस्टिक टाइप का, तो उसको हमें रियलिस्टिक जैसा फील देने के लिए क्या करना है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने इफेक्ट तो डाल दिया। ठीक है, मैंने आपको चला के भी दिखा दिया, तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देना है वो कैसे देना है आप सभी को बताता हूँ। थोड़ा सा मतलब कि जब हम ये बिजली कड़के तो आपको जो है वहाँ पे कोई इफेक्ट दिखे, जैसे कि यहाँ से हम मीडिया में जाकर हम ऐसे व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड है इसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे फ्लिप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे एंड इसको हम फुल कर देंगे। ठीक है, एंड उसका फुल करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से सिंपली बैक चलेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ना कट करना है थोड़ा सा, मतलब कि जैसे यहाँ से हम यहाँ से जाएंगे एंड इसको जो यहाँ से छोटा कर लेंगे, इसको अराउंड इतना कर लेते हैं, तो इतना नहीं इतना रख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा छोटा वरना। तो इसके बाद आपसे भी फ्री करना, आपको उस पर जाना है, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग मोड मिलेगा, आपको सिंपली इस पर जाना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट लाइट करके जो एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे सॉफ्ट लाइट। ठीक है, ये वाला तो आपको ये रखना है। ठीक है, तो यार इसका काम क्या है वो बता देता हूँ, पहले देखिए जैसे ही आपकी बिजली कड़केगी ना इसमें वीडियो में तो वैसे ही एकदम से इफेक्ट आएगा, मतलब कि जो है पूरे में जैसे बिजली कड़कती है तो गाइस पूरा एकदम वाइट हो जाता है ना, तो ये वैसा रियलिस्टिक सा लुक देगा। तो आपको जैसे एक डुप्लीकेट करके आपको दो तीन जगह पर लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैं ये यहाँ लगा लेता हूँ एंड एक डुप्लीकेट करके जो मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको चला के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ से अब इसको हम चला के देखते हैं, तो जैसे ही जाएगा यहाँ पे तो ये गाइस अभी इतना खास नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि जो जहाँ से स्टार्टिंग होना जैसे मतलब कि यहाँ पे दिखाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से एक बिजली कड़क रही है। ठीक है, यहाँ पे बीच में, तो मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ, अब यहाँ से जो है इसको हम यहाँ पे ले चलते हैं, अब यहाँ से चला के देखते हैं थोड़ा ये यहाँ पे, फिर देन ये नहीं अभी भी मतलब इतना खास नहीं लग रहा है, अभी भी इसको हम थोड़ा सा और करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ से, जैसे कि देखिए ये पहला पार्ट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पहले वाला है वो तो ठीक है। ठीक है, अपनी जगह पे वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। अब ये जो दो है ना ये हमने गलत जगह पे लगा रखे हैं, जैसे कि मतलब देखिए सेकंड वाला जैसे ही स्टार्ट होगा, जैसे मतलब कि स्टार्ट होगा जैसे खत्म होता है फिर अगला स्टार्ट होता है, तो हमें इसको वहाँ रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि देखिए ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब गाइस इसी तरीके से हमें जो बीच वाला है इसको हम जो जैसे कि यहाँ पे जो बीच वाला है इसको हम यहाँ पे यहाँ रख लेते हैं बीच में। ठीक है, इसका कोई वैसे इतना जरूरी है भी मेरे को लग नहीं रहा है, वैसे हटा देना चाहिए बट कोई नहीं, कर लिया ऐड तो लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा। ये जैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ,
तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे इतना हो चुका है। तो अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फ्री करना, आपको सिंपली सेव वाला ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पे आपको क्वालिटी वगैरह जो एचडी में इसको सेव करना है एंड उसके बाद आपको उसको सेव कर लेना है। एंड यहाँ पे गाइस मैंने आपको म्यूजिक के साथ नहीं दिखाया इसलिए आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, बट आप लोग इसको देखना। एंड जो गाइस ये वाला जब इफेक्ट आप लोग डाउनलोड करोगे तो साउंड के साथ ही डाउनलोड होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने आपको साउंड तो दिया ही नहीं है, तो आपको साउंड के साथ ही वीडियो मिलेगी, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।